हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास एन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको क्लास एन मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन थ्री में हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। जो रैशनल नंबर होगा वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो आपको बताना है इस क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन वन में हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही दो टाइप हैं जो कि रैशनल नंबर होते हैं। एक टाइप और भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो इरैशनल नंबर होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 0.125, तो अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो Q का फैक्टर होगा वो हमने क्या देखा था, या तो 2 था या 5 था या 2 और 5 बोथ था। क्वेश्चन वन में आपने पढ़ा होगा, अगर याद नहीं तो क्वेश्चन वन के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो भी रैशनल नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर या तो 2 होंगे या 5 होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे। सेकेंड केस, वैसे रैशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो इनमें से कोई भी नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट 2 और 5 और 2 और 5, इसके अलावा कोई होगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट वन है 43.12345678 9। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। लिखेंगे सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर होगा तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो क्यू का फैक्टर क्या क्या होगा इस केस में, या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 बोथ होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी 2 और 5 और 2 और 5 बोथ, ठीक है। फर्स्ट चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग के केस में इसके फैक्टर क्या होते हैं, या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 बोथ होगा। सेकेंड पार्ट में नंबर है 0.12012001200120. देखिए ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कहीं एंड नहीं हो रहा है। सेकेंड, ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, समझ समझिए। देखिए यहाँ पे 12 के बाद 10 है, यहाँ 12 के बाद 20 है, यहाँ 12 के बाद 30 है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है ही नहीं। तो लिख लीजिए, हम लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। Therefore, it is a not a rational number, it is irrational number. तो irrational तो p upon q के form में आता नहीं है, तो हम लोग कुछ लिखना ही नहीं है, simply ये लिख के छोड़ देंगे, it is irrational number. अब आते हैं last third part में number है 43.12345678 9, इस पर बार है। इस बार का मतलब होता है repeat करना, मतलब कि पहले ये number आएगा 43.12345678 9, फिर ये होल रिपीट हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह चला जाएगा। तो ये किस तरह का एक्सपेंशन है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। देखिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंस therefore it is a rational number, it is a rational number. अगर ये rational number है तो p upon q हम लिख सकते हैं इसको हम लोग।
तो यहाँ पे क्यू ये जो प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो मैंने क्या बोला है इसमें टू नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, टू एंड फाइव दोनों नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा। तो लिखिए प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी अदर देन टू और फाइव, इससे डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने बोला कि इसमें टू फाइव एंड टू एंड फाइव कुछ भी नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही था, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।